गुड मॉर्निंग अ वेरी कोल्ड मॉर्निंग फ्रॉम डेल्स टैक्सेस एंड आई होप यू आर डूइंग गुड दिस मॉर्निंग टुडे इज़ साइबर मंडे अच्छा व्हाट इज साइबर मंडे साइबर मंडे क्या है इस तक पहुंचने से पहले फर्स्ट विल डिस्कस सम फैक्ट्स अबाउट थैंक्स गिविंग ब्लैक फ्राइडे फिर साइबर मंडे इस पर बात करते हैं सबसे पहले थैंक्स गिविंग अच्छा थैंक्स गिविंग की जो डेट है इट वेरीज लाइक फ्रॉम कंट्री टू कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट यू यूएस में अच्छा इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन सही है ना इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है ये असल में एक शुक्राना है ये शुक्राना और ये इनका चार पाँच सौ साल पुराना यूँ समझे कि एक कल्चर है सही ना ये छुट्टी इतनी पुरानी है और फिर बाद में इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि फिर इट बिकम अ फेडरल हॉलीडे ये असल में किसानों का यानी एक हारवेस्ट फीसट एक शुक्राना है जो सक्सेसफुल ग्रोथ होती है ना क्रॉप्स की उसका ये शुक्राना है यानी शुक्राना के तौर पर फार्मर्स किसान उन्होंने एक छुट्टी और फिर एक सेलिब्रेशन असल में ये एक डिनर है तो फिर ये इतना मजबूत हो गया कि अब आज अगर आप देखें तो ये ऐसी छुट्टी है यूएस की

टोटल ऑफ होगा और फिर रात में एक डिनर वो भी इनकी एक हिस्ट्री चली आ रही है कि टर्की डिनर मुर्गा भी उसका डिनर और फिर साथ मैश पोटैटो फिर वक्त के साथ साथ ज़्यादा चेंज आता है लेकिन स्टिल जो ये जो डिनर की जो एक मिच चली आ रही है वो वही इनका ट्रेडिशन है कि टर्की डिनर होता है ठीक है ना अच्छा जहाँ ये थर्सडे खत्म हुआ थैंक्सगिविंग उसके बाद जो नेक्स्ट डे है वो कहलाता है ब्लैक फ्राइडे अच्छा इसकी क्या है ये टोटल एक मार्केटिंग इवेंट है टोटल ये कॉर्पोरेट्स का इवेंट है इसका वो किसान खेतों और उससे भी कोई लेना देना नहीं है पूरा कैश करने वाला इवेंट है शॉपिंग इवेंट अच्छा ये नाम भी कैसे पड़ा इट सम पीपल कॉल इट बिग फ्राइडे एज वेल भाई जहां छुट्टी हुई फसलें होगी डिनर विनर किया सब इंजॉय किया तो अब नेक्स्ट डे यकीनन रोड पे प्रेशर बढ़ना यानी इसकी एक मिथ है कि रोड पे प्रेशर ट्रैफिक बढ़ता था तो पुलिस वगैरह ये सब कहा करते थे कि भाई बिग फ्राइडे ये इसको ब्लैक फ्राइडे उन्होंने कह दिया अच्छा फिर इसी तरह शॉपिंग पे लोग निकल गए पैसा वैसा भी आया हुआ है तो अच्छा अमेरिकन तो बाई डिफॉल्ट बाई डिजाइन दे आर शॉपाहलिक्स इनको तो शॉपिंग करनी है किसी भी तरह तीन दिन कोई भी दिन मना के शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग भी होने लगी अच्छा तो उसको उन्होंने ब्लैक फ्राइडे कहना शुरू कर दिया लेकिन एक इसकी अकाउंटिंग मिथ भी है देखिए हर रोज और हर महीने इनके पास लॉसेस ही नजर आते थे दुकानों के पास लॉसेस नजर आते थे और जब लॉस की फिगर आती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में तो इट्स नॉर्मली रिटर्न एंड रेडिंग रेड से लिखा जाता है जैसे बच्चा फेल हो जाता है तो रेड से लिखते हैं ना रेड से लेकिन उस दिन जाहिर इतना जब आपके पास शॉपर्स होंगे इतने बायर्स मौजूद होंगे कस्टमर्स मौजूद होंगे तो ऑब्वियसली उस दिन तो लॉस आना नहीं तो उस दिन जो फिगर आएगी वो ब्लैक से लिखी जाएगी प्रॉफिट आएगा उस दिन लॉस नहीं आएगा उस दिन प्रॉफिट आएगा तो अकाउंटेंट्स ने और बिजनेस ने इस वजह से तो ट्रैफिक हो रहा है, थोड़ा हो रही है पे इतना तो अब इसको इन्होंने कैश करना शुरू कर दिया भाई अब जब ये इवेंट ही गया है तो क्यों ना इस पे फिर सेल भी लगाई जाए प्राइसिंग स्ट्रेटजी तो ये कोई पंद्रह बीस सालों से इसमें क्रेज बहुत ज्यादा आ गया अब ये किस तरह देखिए इसको ऐसे किस तरह एंजॉय करते हैं जो इनका कल्चर चला रहा मैं अभी बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी ने इसको किस तरह चेंज किया फिर से है ना टेक्नोलॉजी का इम्पेक्ट कैसा है इस पर जहाँ थर्सडे गुजरा थैंक्स गिविंग थैंक्स गिविंग की जो शाम गुजरी वो डिनर कर लिया टर्की खा लिया पेट भर गया अब ये सब निकल गए रात को और जाके दुकानें खुलने के इंतजार में बैठ गए बाकायदा लोग गाड़ियों में बैठा करते थे पूरी पूरी रात क्योंकि सुबह पाँच बजे दुकानें खुलनी है और वो हकीकत में सेल होती है यानी ब्लैक फ्राइडे वो इवेंट होता है यूएस का कि जिसमें लोग अपने सारे इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर यानी क्या कुछ नहीं खरीदते कपड़ा जूता मोबाइल ये वो यानी एक एक अजीब किस्म की सेल होती है गहमा गहमी अभी तक है ये, सही है ना ये अभी भी नजर आती है फुल जैम पैक तो उसको उन्होंने नाम दे दिया डोर बस्टर्स का कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना तो लोग एंटर होंगे और एंटर होते ही चीजें उठाएंगे क्योंकि ऐसी प्राइसिंग ऐसी सेल लगी हुई होती है तो दरवाजा तो वो डोर बस्टर्स का अब लोग रातों से वेट करते थे बड़ी लाइनें लगनी और एंटर हुआ अभी पिछले साल ही ये वॉलमार्ट पे देख रहे थे अभी आज भी इस दफा भी तो वो क्या है कि भाई आप वॉलमार्ट में भी आप एंटर हो जाओ तो उसके बाद आप चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि प्राइस ही इतनी अट्रैक्टिव है आपको रुकना पड़ेगा सही है और जैसे ही छः बजेंगे तो वहाँ पर जाके आपने उन चीज़ों को फिर ग्रैप करना और ज़ाहिर है आप कुछ चीज़ें आप उठा पाओगे कुछ चीज़ें कोई और उठा पाएगा ऐसे ही होगा तो अब अच्छा अब जब इन्होंने कहा कि पूरी रात बैठते हैं और फिर नेक्स्ट डे क्योंकि मैंने कहा थर्सडे के बाद नेक्स्ट डे ब्लैक फ्राइडे तो कॉर्पोरेट्स ने कहा कि एक काम करते हैं रिटेलर्स ने कहा एक काम ये करते हैं कि जब शॉपिंग करनी है तो क्यों सुबह दुकान खोल रहे हैं रात में दुकान खोल लेते हैं फिर रात से उठा के ये कहां तक ले आए थर्सडे की शाम को लिया है कि भाई थैंक्स गिविंग का डिनर करते ही पांच या छः बजे सात बजे क्योंकि दे डू अर्ली डिनर छः सात बजे पहुंच जाओ बेस्ट बाय टारगेट वॉलमार्ट इधर सब निकल आओ तो अब जो ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट होना शुरू होता है वो उसी रात से थैंक्स गिविंग की रात से ही लोग पहुंच जाते हैं और वो डोर बस्टर्स का इंतजार करते क्यों खुले लेकिन मजे की बात है कि अब टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया और जाहिर मैन वी हैव हाँ ऑनलाइन शॉपिंग ऑनलाइन बिजनेस ये सब आ गया तो अब तो ये एक हफ्ता पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है बल्कि एक महीना पहले से सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है मुझ जैसे लोग प्री ब्लैक फ्राइडे डील्स के भाई हम ऑनलाइन ही बाइंग करेंगे यानी अब वो प्रेशर कम हो गया एक तो दुकानें जल्दी खुल गई तो लोगों को रात में जाके बैठने की जरूरत नहीं है पहले ही आ जाते हैं शाम में और दूसरा जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं जिनको कन्वीनियंस ये सब चीज़ें पसंद है वो क्या करते हैं वो ज़ाहिर ऑनलाइन बाइंग कर लेते हैं सारी चीज़ें जैसे मैं ब्लैक फ्राइडे पे कहीं बाहर जाने का मेरा कोई तस्वर ही नहीं है मैंने क्या करना है भाई ऑनलाइन बाइंग करनी है अच्छा अब इस ब्लैक फ्राइडे के बाद फिर सैटरडे आ गया

पाँच छः सात सालों से ही आया इससे ज्यादा इसमें ज़्यादा बुम जो साइबर मंडे का कॉन्सेप्ट लिया है। अब ये भी आगे जाकर एक बड़ी इसकी हिस्ट्री बन जाएगी कि भाई साइबर मंडे सेलिब्रेट हो, हो रहा है जो कि हो रहा है इधर ठीक है ना अच्छा फिर इसके बाद जो अब मंडे ना वी हैव टुमारो टुमारो इज गिविंग ट्यूजडे गिविंग ट्यूजडे जो है वो क्या है कि भाई जो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं जो जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कॉर्पोरेट्स हैं वो फिलेंथ्राफिक एक्टिविटीज़ यानी डोनेशन और चैरिटी और गरीब लोगों की मदद करना सही है ना वैसे तो गरीब ढूंढना बड़ा मुश्किल है सही है ना उनकी मदद करना और उनको गिवेज वगैरह ये देना ये कहलाता है गिविंग ट्यूजडे तो ये एक असल में पूरा पैकेज है इनका हॉलीडेज़ का ये एक हॉलीडे सीजन है कि लोग छुट्टी कर रहे थे पिछले मंडे से नॉट टुडे पिछले मंडे से अमूमन छुट्टियां मिल जाती हैं और फिर उसके बाद थैंक्स गिविंग ब्लैक फ्राइडे लॉन्ग वीकेंड क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड हो गया और उसके बाद देन साइबर मंडे एंड गिविंग ट्यूजडे तो ये एक पूरा पैकेज है हॉलीडे का जिसको ये सेलिब्रेट करते हैं उसमें सबसे अहम जो इंपॉर्टेंट जो है वो है शॉपिंग सही है ना जो शॉपिंग करते हैं आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड यू हैव वेरी वंडरफुल डे